वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। आज हम इसमें देखेंगे परसेंटेज पार्ट नंबर वन। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल फॉर रुपीज 189760। ही सोल्ड 2/5 ऑफ देम एट 13% प्रॉफिट। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट ही मे गेन 19% प्रॉफिट ओवरऑल। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि एक शॉपकीपर है। ओके, तो शॉपकीपर वो क्या करेगा, फर्स्ट परचेस करेगा आर्टिकल 18760। ओके, हम एक शॉपकीपर ले लिया। उसके बाद उसने सोल्ड किया 2/5 ऑफ देम एट 13%। बाद में नेक्स्ट, अभी रिमेनिंग जो है मतलब एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग, यहाँ पे 2/5 तो उसने सेल किया। अभी ये बाकी है कि रिमेनिंग वो कितना सेल करेगा, पर सो दैट ही मे गेन 19% प्रॉफिट ओवरऑल, मतलब ओवरऑल परसेंट 19% है। ओके, तो ओवरऑल में तो 19% मिला, पर अभी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितने परसेंट उसने सेल करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हम फर्स्ट, जैसे 2/5 उसने सोल किया। ओके, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 2/5, जो मैंने कहा था ये हमेशा होता है टोटल, ये टोटल होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी 2 तो सेल किया है, तो हमें यहाँ पे किया है मैंने 2 × अभी कितने परसेंट, 13%, यहाँ पे 13%। ओके, बाद में अभी यहाँ पे है ये टोटल है, तो ये हमने किए 5, और टोटल के लिए कितना है 19%, ये है 19%। ओके, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे 13 × 2 = 26, यहाँ पे 19 × 5 = 95। अभी देखो यहाँ पे हमें ये टोटल है और ये फर्स्ट है, तो सेकेंड बार जब उसने दिया है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सबट्रैक्ट मतलब 5 - 2 यहाँ पे होगा 3। ठीक है, हमें तो यहाँ पे परसेंटेज निकलना है, तो हमें ये मालूम नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे x%। यहाँ पे 95 - 26 यहाँ पे हम लेंगे 69। बाद में x% = 69/3। 3 × 9 and 3 × 2 = 6, मतलब 23%। ये हमारा रहेगा आंसर, मतलब यहाँ पे कितना आया है 23%। तो हमारा आंसर है B1। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, सेकेंड, ए शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल फॉर रुपीज 4859। ही सोल्ड 3/7 ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट ही मे गेन 10% प्रॉफिट ओवरऑल। अगेन हमें वही देखना है कि आर्टिकल क्यों आर्टिकल उसने परचेस किए 4859 में, तो शॉपकीपर सेम हमने समझने के लिए सेम लिया है, तो उसने सोल्ड किए 3/7 फॉर 30% एंड कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग। अभी इसमें से रिमेनिंग है वो हमें कैलकुलेट फिर से करना है, पर उसको मतलब ओवरऑल जो परसेंटेज मिला है प्रॉफिट, और प्रॉफिट ओवरऑल जो मिला है वो है 10% जो हमने लिया है। फिर से सेम वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब देखो ये है 3/7, अगेन ये होता है टोटल। ठीक है, और ये 3 जो है ये यहाँ पे 3, मतलब इस पर्सन के लिए 3 है, बचा कितना फिर 4, 4 × 6 = 7, यहाँ पे 4, मतलब इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3, और टोटल हो गया ये मैंने लिखा है 7। जैसे हम स्टार्ट करेंगे 3 से, मतलब जो है 3 जो यहाँ पे सेल किया है, 7 में से 3 जो सेल किया है वो 30%, यहाँ पे मैंने लिए हैं 30%। ठीक है, बाद में फिर टोटल हमें टोटल दिया हुआ है 7 × 2 दिया है हमें 10%। ओके, यहाँ पे 10% है टोटल किया हमें दिया है 10%, 7 × 70। तो अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 3 × 30 यह हो गया है 90 = यहाँ पे
इंटू टेन या फिर बोला जाए 70। ओके अभी इसका बाकी है, टोटल हो रही है, मतलब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो यह माइनस करके क्या आएगा हमें मिलेगा ये 4। ये मालूम है हमें ये तो निकालना है, तो इसलिए हम लेंगे x परसेंट, इसमें से माइनस लेंगे। अभी यहाँ पे 70 मतलब जो टोटल है वो कम है, और ये 90 जो एक के लिए है वो बड़ा है, तो ये हम क्या करेंगे इसको माइनस 20। ओके टोटल कम है, टोटल ज़्यादा चाहिए, अगर टोटल ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, पर ये कम है इसलिए आएगा माइनस 20। हम क्या करेंगे x परसेंट इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 4, 4 × 4, 4 × 20, तो हमें आंसर है माइनस 5। अभी माइनस इसलिए हम क्या ले गए 5%, यह हमें लॉस मिला है, मतलब यहाँ पे 5% लॉस में सोल्व किया है। ओके तो हमारा आंसर है C1। तो फिर हम नेक्स्ट वन देखेंगे, द शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल, ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, सो हाउ मच प्रॉफिट परसेंट ही मे गेन ओवरऑल। हमने हमें फिर से कैलकुलेट करना है कि आर्टिकल है, ओके तो फ्यू आर्टिकल शॉपकीपर ने लिए, शॉपकीपर सोल्ड किए उसने 1/4 30% के लिए एंड रिमेनिंग 10% के लिए। ओके तो अभी हमें यहाँ पे लिखना है, मतलब निकालना है ही मे गेन ओवरऑल। यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि सेकेंड जो पार्ट है तो वो कितने परसेंट ने सेल किया, और ओवरऑल परसेंट हमें दिया था, यहाँ पे हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना है और सेकेंड वन दिया है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है 1/4, फिर से ये टोटल, ये है टोटल और ये वन है, वन यहाँ पे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमें है ये है, चलो हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वन दिया है कितने परसेंट के लिए, यहाँ पे दिया है 30% प्लस ये आएगा 30, 1 जा 30, बाद में जो दिया है 3, और ये कितने परसेंट के लिए 10% के लिए, तो 3 × 10 वापिस 30। अभी ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल पूछा है, तो हम क्या करें 3 + 1 यहाँ पर करेंगे हम 4, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये मालूम नहीं इसलिए हम लेंगे इसको x परसेंट, ये 30 + 30 ये होगा 60। तो x परसेंट इक्वल्स टू 60/4 इक्वल्स 4 × 4 × 4 = 15, मतलब तो हमें आंसर मिला है 50। ओके 14 4 = 15 = 60। ओके तो हमारा आंसर है यहाँ पे टी। ओके मतलब यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज होगा 15%। हम नेक्स्ट वन देखेंगे, अगेन ये शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल्स एंड 3/4 ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। अभी यहाँ पे देखो फिर से फ्यू आर्टिकल से, अगेन शॉपकीपर 3/4 पार्ट 20% के लिए सेल किया है, बाद में अभी कॉस्ट प्राइस पे 2% के लिए सेल किया है, बाद में फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट, हमें फिर से ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा हर न्यूमेरिकल में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे फिर से हम करेंगे 3/4 हमें दिया है, फिर से ये है टोटल, ये टोटल, और यहाँ पे 3/4 मतलब ये 3 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। ओके हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट, ये है ओवरऑल प्रॉफिट, तो हम फर्स्ट लेंगे 3 × कितने परसेंट के लिए, 20% के लिए, ये है। ओके अभी यहाँ पे जो दिया है पार्ट बचा है हमारा ये 1 है। अभी यहाँ पे पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में मतलब अगर ये शॉपकीपर है, ये आर्टिकल लाया, शॉपकीपर ने आर्टिकल लाया और वही आर्टिकल उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा, मतलब जो कॉस्ट से खरीदा है वही कॉस्ट प्राइस से लाया, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ना होगा और लॉस भी ना होगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 0%। ठीक है हमें यहाँ पे मिलेगा
तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 3+1 मतलब ये दोनों है और हमें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, तो 3+1 यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे हमें निकालना है तो हम यहाँ पे लेंगे x% और यहाँ पे एडिशन करके होगा 60। अगेन x% इज इक्वल्स टू 60/4, फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 15% आपका आंसर। यहाँ पे 15D1 मतलब यहाँ पे आएगा 15%। ओके, अगेन नेक्स्ट वन हम देखेंगे, ए मैन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज इनकम एट 7% एंड 1/4 एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%, हिज ओवरऑल इनकम इज ₹561, फाइंड द अमाउंट। मतलब अभी एक मैन है, मैन का इनकम है ₹561, ठीक है। अब फर्स्ट इन्वेस्ट किए 7% विथ रेशियो 1/3, देन इन्वेस्ट किए 8% विथ रेशियो 1/4, एंड अगेन इन्वेस्ट किए 10%। पर अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया हुआ है सबका, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पर इसका हमें निकालना है कि उसका अमाउंट कितना है। ओके, ये एक्चुअल अमाउंट कितना है और यहाँ पे कितना रेशियो इन्वेस्ट किए, इसे अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसे यहाँ पे हमें क्या क्या दिए हुए देखिए, जैसे देखो यहाँ पे हमें दो रेशियो दिए 1/3 एंड यहाँ पे दिए 1/4। अभी हमें क्या करना है, ये 3 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 × 4 डायरेक्ट किया तो आपको 12 एलसीएम मिल जाएगा, जैसे एलसीएम इक्वल्स टू इसका है 12, यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 4 इक्वल्स टू 12। ओके, अभी बाद में जो अभी हम ये 1/3 × 12 हमें वो रेशियो, मतलब अगर नंबर निकालने के लिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, मतलब ये रेशियो है 4 times। अब यहाँ पे भी करेंगे 1/4 × 12, 4 × 3 = 12, यहाँ पे 3 आएगा। मतलब हम ये क्या निकाल रहे हैं, जैसे ये 4 part है, मतलब फर्स्ट निकाला हमने, इसका 4 part है, इसका 3 part है, टोटल कितना पार्ट है हमारे 12, ये 12 को हम लिख लेंगे ये टोटल है। ओके, जो इन्वर्स कर रहा है ये 4 part, ये 3 part, 4 और 3 = 7। अभी बाकी कितना है, ये 5 part। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे देखो, इसमें जो हमें पहले हमने एक पार्ट निकाला 4 part है, ये कितना परसेंट है, 7%। ओके, बाद में यहाँ पे है 3 part, कितना परसेंट है, 8%। इससे और एक 5, ये कितना परसेंट है, 10%। ओके, अभी यहाँ पे हम 4 × 7 = 28, 8 × 24 और 5 × 10 = 50। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब ये 12 और हमें इसका निकालना है, हम यहाँ पे लेंगे x% और यहाँ पे हम लेंगे इसको ऐड करके ये मिलेगा हमें 8 4 8 2 और ये 1 1 0। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमें निकलना है अमाउंट, फिर हम अमाउंट के लिए यहाँ पे इसलिए हम इसको पी कर लेंगे, p% = 102। बाद में p% = 102/12, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8.5। अभी बाद में ये 8.5 ये रेशियो है, मतलब ये इनकम है, पर हमें इनकम क्या दिया हुआ है, 8.5, हम इसको इक्वेट करेंगे, इनकम हमें ये टोटल इनकम दिया है 561, हमें मिला है इनकम मिला है, ठीक है, ये हमें इनकम मिला है, ये भी हमें इनकम मिला है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसको पी लिख लेंगे, पी इक्वल्स टू 561/8.5, ये आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6। ओके, ये तो फाइनल आंसर में है। तो हमें मतलब अमाउंट निकालने के लिए याद रखना, जैसे यहाँ पे परसेंट था, हम क्या करेंगे, p अपॉन
100 ओके इक्वल्स टू 66। अभी 100 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इक्वल टू 66 इंटू 100, हमें क्या मिलेगा P इक्वल्स टू 6600, ये हमारा फाइनल आंसर या फिर P1, ये टोटल अमाउंट है ओके। अभी नेक्स्ट वन, ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 130 क्वेश्चन सी आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 65 क्वेश्चन करेक्टली, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द अदर 65 क्वेश्चन दस सी नीड टू आंसर करेक्टली ऑन द एंटायर एग्जाम टू गेट 60%। जैसे अभी एक टेस्ट है, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन है 130, जैसे 130 क्वेश्चन है ओके, उसके बाद यहाँ पे 40% क्वेश्चन 65 क्वेश्चन मतलब हमने 40% में सॉल्व किए, बाद में अगेन 65 क्वेश्चन है मतलब फर्स्ट भी 65 क्वेश्चन थे, बाद में भी 65 क्वेश्चन है, 40% हमने सॉल्व किए, पर हमें क्या करना है टोटल 60% लाने हैं 130 क्वेश्चन के लिए, तो हमें बाद में ये दिखना है कि 65 क्वेश्चन जो है उसमें कितने परसेंट सॉल्व करने के बाद हमें ओवरऑल 60% मिलने वाले, तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे जैसे हम देखेंगे जैसे टोटल 130 क्वेश्चन है ओके, तो हम पहले ये 130 क्वेश्चन है तो यहाँ पे है 65 और यहाँ पे है 65, मतलब अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे 65 बाय 65 ओके, ये भी 1:1 हो जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे, अभी 1:1 तो मिला तो 1 × 40 एक के लिए है 40% ओके, बाद में अभी दोनों के लिए 2 × 2 × कितना परसेंट है जो हमें दोनों के लिए दिया है 60% ओके, तो 40 × 1 = 40 और 60 × 2 = 120। तो हमें अभी एक का निकालना है तो हम इधर क्या करेंगे -2 - 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो हमें ये x निकालना है 8% और 120 - 40 यहाँ पे है 80 ठीक है, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिलेगा x% = 80% ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80%, तो हमें ये परसेंट यहाँ पे लिखना है 80%, तो हमारा आंसर है यहाँ पे सी। अब ये तो एक मेथड है, हम इसको और एक मेथड से कर सकते हैं मिक्सचर एनालाइजेशन, जैसे जैसे हमें दिया था 40 ओके, और एक तो हमें एक से टोटल है हमें दिया था ये 60 ओके, तो ये एलिगेशन मिक्सचर लगाई थी हम इसे, और यहाँ पे था ये रेशियो 1 और ये 1। अभी यहाँ पे 60 - 40 होता है 20 ठीक है, ये 1:1 के लिए 20 है तो ये 1:1 के लिए भी 20 होगा ठीक है। हमें ये रूल मालूम है कि एक नंबर जो मिडल नंबर होता है या तो फिर जो एवरेज होता है उससे एक नंबर छोटा होता है और एक नंबर बड़ा होता है, ये तो छोटा है मतलब 60 - 20 किया तो 40 होता है, फिर 60 + 20 किया तो या एक माइनस करना एक प्लस करना है, तो x इक्वल टू यहाँ पे 60 + 20 आपको मिलेगा 80, यहाँ पे आएगा 80% कि आपको ये आंसर मिला है ओके, ये आपको फाइनल आंसर। तो हम नेक्स्ट वन देखेंगे, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 20% एंड 10% कैन फाइंड द चेंज इन हिज सेविंग्स। देखो अभी हम इसमें क्या देखेंगे, एक मैन है ओके, अभी यह इनकम है, इनकम दिया हुआ है 75% स्पेंड किए मतलब इनकम से 75% स्पेंड किए ओके, बाद में जो ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर क्या दिया है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज है 10% एंड वहाँ पे 20% जो इंक्रीज दिया हुआ है इनकम, जो यहाँ पे इनकम 20% इंक्रीज है, तो हमें चेंजेस देखने हैं सेविंग में, सेविंग में हमने 6% चेंजेस देखे, इससे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें दिया है 75% यहाँ पे है 75% ओके,
75% के लिए हम लिखेंगे 3/4। अभी यहाँ पे फिर से ये 4 है टोटल, ओके, मतलब ये रेशियो है, ये हम लिखेंगे ये 3 के लिए है, ये 1 के लिए, ये 1 के लिए, ये 1 के लिए, ओके, तो ये और ये टोटल रहेगा ये 4, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 3 हमें दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट, या तो फिर हम फर्स्ट इनकम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनकम कम से स्टार्ट करेंगे, टोटल है इनकम 4, कितना परसेंट है, बड़ा है 20%, ओके। बाद में हम लेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 3, वैल्यू है एक्सपेंडिचर की, परसेंटेज कितना है 10%, ओके। यहाँ पे मिलेगा 80, यहाँ पे मिलेगा 30। अभी इसे क्या करना है, देखो इनकम है आपकी, उससे आप एक्सपेंडिचर कर रहे, खर्च कर रहे, तो आपका कुछ सेविंग रहेगा, इसलिए फिर आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेविंग, ओके, ये आएगा 1, हमें तो यहाँ पे निकालना है एक्स परसेंट, और 80 - 30 आपको निकालना है 50, तो आपका रहेगा एक्स इक्वल्स टू 50%, मतलब एक्स रहेगा आपके, ये रहेगा 50%, ओके, ये आपका आंसर है B1। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा परसेंटेज का पार्ट नंबर 2।